आज नगरी आगरा में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर जगह जगह गंदगी का अंबार देखने को मिला। एक ओर निगम अधिकारी और महापौर सफाई के नाम पर अपनी पीठ थपथपाते नजर आते हैं, तो वहीं क्या रही आगरा शहर की 2 अक्टूबर को सफाई व्यवस्था, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2014 में शपथ लेने के बाद अपने भारत को स्वच्छ करने का बीड़ा उठाया। 2 अक्टूबर 2014 से संपूर्ण भारत में स्वच्छता अभियान चलाया गया। हर घर से अपने शहर, प्रदेश और देश को स्वच्छ करने के लिए बड़े बड़े राजनेता और समाज सेवी हाथों में झाड़ू लिए रोडों पर उतरे। अपने देश को स्वच्छ करने के लिए हर हिंदुस्तानी के दिल में एक जज्बा साथ भारत के प्रधानमंत्री ने स्वच्छता अभियान की शुरुआत की, तो वहीं अब ये अभियान हवा हवाई होते नजर आ रहा है। प्रेम की नगरी ताज नगरी में 2 अक्टूबर को जगह जगह गंदगी के अंबार देखे गए। 2 अक्टूबर से शुरू हुई इस अभियान की अब कोई सुध लेने वाला नहीं। नगर निगम अधिकारी लाख बड़े बड़े दावे कर ले, लेकिन स्वच्छता के नाम पर शहर अभी काफी पीछे है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सपने को साकार करने के लिए हर हिंदुस्तानी ने भरजोर प्रयास किया। शुरुआती दौर में शहर से लेकर प्रदेश, प्रदेश से लेकर देश, जगह जगह स्वच्छता पखवाड़े मनाए गए, लेकिन अब स्वच्छता के नाम पर महज एक दिखावा ही नजर आता है। रविवार को पूरे देश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का जन्म उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। लेकिन अगर बात की जाए सफाई की, तो ताज नगरी आगरा में जगह जगह गंदगी के ढेर देखने को मिले। एक ओर नगर निगम अधिकारी चंद जगहों पर विशेष महास्वच्छता अभियान चलाकर अपनी पीठ थपथपाते नजर आते हैं, तो वहीं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्मदिवस पर आगरा शहर में जगह जगह गंदगी के अंबार लगे हुए थे। नगर निगम द्वारा शहर में सफाई व्यवस्था न किए जाने के कारण इस बार 8 वर्ष बाद 2 अक्टूबर को स्वच्छता अभियान की पोल खुलती नजर आई। हालांकि रविवार को सभी विभागों के अवकाश रहने के कारण कोई भी कर्मचारी कार्य पर नहीं होते, तो वहीं शहर में किसी बड़े राजनेता के आगमन पर निगम अधिकारी ना तो रविवार का अवकाश देखते हैं और ना ही कोई सरकारी अवकाश राजनेताओं के आगमन पर किसी भी कर्मचारी को छुट्टी नहीं देते हैं। लेकिन इस बार नगर निगम के अधिकारी और शहर के महापौर 2 अक्टूबर को शुरू हुए स्वच्छता अभियान को 8 वर्ष बाद कैसे भूल गए, इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता। जबकि इस विशेष दिन पर तो नगर निगम द्वारा एक महाविशेष सफाई अभियान भी चलाने की आवश्यकता थी। प्रातः दर्पण न्यूज भी शहर की तमाम आवाम से अपील करता है कि अपने शहर को स्वच्छ बनाने में अपना हमेशा योगदान देते रहे, जिससे कि हमारा शहर ताज नगरी आगरा बाहर से आने वाले पर्यटकों के लिए सफाई व्यवस्था को लेकर एक मिसाइल बन सके। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए आगरा से चंदन सिंह की रिपोर्ट।